हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग ट्यूटोरियल माय माय नेम इज़ अरसल अरसल एंड यू आर ऑन चैनल नॉलेज आज हमारे पास टॉपिक है स्टडी करने के लिए सीएसएस फ़ॉन्ट्स हम सीएसएस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे फ़ॉन्ट्स की और उसकी कुछ वैल्यूज देने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं मैंने डेस्कटॉप पर ऑलरेडी एक वेबसाइट के नाम का फोल्डर बना रखा है इसके अंदर मेरे पास दो फाइलें हैं एक इंडेक्स की फाइल है और एक मेरे पास सी की स्टाइल के नेम से फाइल है अब मैंने इस इंडेक्स की फाइल को अपने ब्राउजर में ओपन कर रखा है और इन दोनों फाइलों को मैंने अपने टेक्स्ट एडिटर में भी खोल रखा है तो स्टार्ट करते हैं मैं बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले एक पी का टैग लेने लगा पैराग्राफ का टैग और इसके अंदर एल ओ आर ई एम लॉरम लिख के अगर मैं टैब प्रेस करूंगा तो आपको पता है कि डमी टेक्स्ट जनरेट हो जाता है मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं जरा लाइनें ज्यादा लिखी जाए कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया मैंने इसे ये देख सकते हैं कि हमारे पास दो लाइनें लिखी आ गई हैं मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूं तो यहां पे ये हमारे पास कुछ इस तरह की डमी टेक्स्ट अपनी तरफ से जो है वो आउटपुट आ रही है तो स्टार्ट करते हैं अब सी एस एस के अंदर इसका काम तो ये मैंने पी का टैग को कॉल कर लेता हूं अपने सीएसएस की शीट के अंदर पी के टैग को मैंने कॉल किया इसके अंदर मैं कुछ अब प्रॉपर्टीज अप्लाई करने वाला हूं और उनको कुछ वैल्यूज देने वाला हूँ सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट पे नीचे लिखा आ रहा है स्टाइल फॉन्ट स्टाइल हमारे पास किस किस्म के हो सकते हैं मैं यहां पे सबसे पहले एक वैल्यू देने वाला हूं इटैलिक फॉन्ट फॉन्ट साइज सॉरी स्टाइल इटैलिक अब मैं अगर रिफ्रेश करूं पेज को तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़े टेढ़े टेढ़े वर्ड्स हो गए आगे को झुके हुए हैं तमाम लेटर्स तमाम वर्ड्स ये कंप्लीट लाइंस जो हैं वो आगे आगे को जिस तरह झुके अगर जूम करके दिखा दूं तो ये आप देख सकते हैं आप इसकी जगह ओब्लिक भी अप्लाई कर सकते हैं ओ बी एल आई क्यू यू ओब्लिक। आप अगर रिफ्रेश करें पेज को तो आप देखेंगे कि को कोई खास डिफरेंस नहीं है इनमें आप चाहे तो इटैलिक कर लें फ़ॉन्ट का स्टाइल चाहे तो ओब्लिक कर लें या आप इसको फिर वापस अगर बाय डिफॉल्ट कंडीशन में लाना चाहते हैं तो आप लिख दें नॉर्मल तो यह बिल्कुल उसी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं यह हमारे पास फॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी होगी अब हम देखेंगे फॉन्ट का वेट फ़ॉन्ट का वेट फॉन्ट वेट अब मैं सबसे पहले यहां पे लिखने वाला हूं बोल्ड अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड हो गया जरा मोटा मोटा हो गया टेक्स्ट अच्छा अब इसको मैं बाय डिफॉल्ट उसी कंडीशन में भी लाना चाहूं तो मैं यहां पे सेम नॉर्मल लिख सकता हूं ये देख सकते हैं आप ओके okay. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं दैट इज फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट यहां पे नीचे शो हो रहा है फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट क्या करता है मैं यहां पे एक वैल्यू देने वाला हूं दैट इज स्मॉल कैप्स एस एम ए डबल एल सी ए पी एस स्मॉल कैप्स अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पे कुछ इस तरह का टेक्स्ट बड़ा खूबसूरत सा नजर आ रहा है ये देखें लाइन का जो फर्स्ट लेटर है ये देखें ना यहां पे लाइन खत्म हो रही है लाइन का जो फर्स्ट लेटर है वो बाकी तमाम उस लाइन के लेटर से बड़ा होता है जिस तरह यहां पर यह एल बड़ा है और बाकी उससे थोड़े स्मॉल साइज में है और जितने भी लेटर्स हैं सारे वो सारे के सारे अपर केस में है यानी बड़े लेटर्स में है कैपिटल है ओके okay, यहां पे भी आप देख सकते हैं लाइन खत्म होगी तो ए बड़ा तो इसको आप चाहें तो फिर सेम एज नॉर्मल भी कर सकते हैं नॉर्मल मैं यहां पे पेज को रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट नॉर्मल कंडीशन में आ गया है मैं जरा जूम आउट कर लू इसको वापस उसकी रीसेट कंडीशन में ले आता हूं ब्राउजर को ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज़ फॉन्ट साइज के अंदर मैं दो वैल्यूज यूज़ करने वाला हूँ फर्स्ट वन इज़ पिग्जल और दूसरी वैल्यू जो है वो मैं ई एम के अंदर लेने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ सिक्सटीन पिज्ज़ल तो आप देखेंगे ब्राउज़र में कोई चेंजिंग नहीं आएगी इसके साइज़ के अंदर क्यों क्योंकि इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज जो है वो सिक्सटीन पिग्जल है इस टेक्स्ट का ये जितना भी लिखा हुआ है हमारे पास सिक्सटीन पिज्जल सिक्सटीन पिग्जल या मैं वन ई एम कर दूं तो आप देख सकते हैं कि इसका साइज जो है वो सेम है यानी वन ई एम मैं लिखूं या सिक्सटीन पिक्सल लिखूं तो उसका साइज सेम रहता है वन ई एम इक्वल टू होता है सिक्सटीन पिक्सल के आप देखें अगर मैं यहां पे मैं ट्वेंटी पिक्सल लिख दूं तो यहां पे अगर पेज को रिफ्रेश करूं तो इसका साइज बढ़ रहा है अगर मैं फोर्टी कर दूँ तो फिर रिफ्रेश करूं पेज को तो इसका साइज बढ़ रहा है इसी तरह आपको अगर इसकी कैलकुलेशन करें 16, 40 को डिवाइड करें अगर आप 16 के ऊपर यहाँ से मैं अगर कैलकुलेटर लूँ आपको मैं कन्वर्जन बता देता हूँ कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पिक्सल को ईएम के अंदर मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा आप कहेंगे आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों करवा रहे हैं हमें ई एम के अंदर वैल्यूज़ क्यों करवा रहे हैं हम पिग्ज़ल भी तो यूज़ कर सकते हैं इसका बहुत फ़र्क है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ अच्छा अगर मैं आपको बताने वाला था कि पिग्जल को ई एम के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं या ई एम को पिग्जल के अंदर कैसे करते हैं आप देखें मैंने आपको बताया कि सिक्सटीन जो है वो पिज्जल बाय डिफ़ॉल्ट साइज होता है वन ई एम के क्लियर अब अगर मैं चाहता हूं कि इस 40 को मैं ई एम के अंदर लेके जाऊं, मैं 40 को डिवाइड करूंगा किस पे 16 पे ये देख सकते हैं कि 2.5 हमारे पास ई एम की वैल्यू निकल आई है ओके अब अगर मैं पेज को यहाँ पे देखूं तो अगर मैं 2.5 पॉइंट फाइव ई एम ई एम में वैल्यू दूं तो अगर अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे कि ये सेम साइज 40 पिक्सल के बराबर ही है साइज नहीं चेंज हुआ ओके अगर मैं यहां पे 2.0 पॉइंट करूं करूँ यानी 2 ई एम टू ही आप कह सकते हैं मैं यहां पे अगर आप पेज को रिफ्रेश करूँ तो देख सकते हैं कि ये 2 ई की वैल्यू है अब अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ ई को पिक्सल के अंदर सॉरी ई को पिक्सल के अंदर मैं अगर कन्वर्ट करवाना चाहूँ तो मैं ये कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ अब मेरे पास ई एम कितने हैं टू मैं टू मल्टीप्लाई बाय किससे करूँगा सिक्सटीन से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये थर्टी टू आ गया अब अगर मैं यहां पे थर्टी टू कर दूँ तो वो सेम साइज रहेगा क्लियर अच्छा अब आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूं कि हम ईएम और पिज्जल क्यों यूज़ यूज कर रहे हैं मैं उससे पहले यहाँ पे मैं बॉडी के टैग को कॉल कर लूँ सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बॉडी के टैग को कॉल कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक फ़ोनट साइज दे लेता हूँ हंड्रेड परसेंट मैं वैल्यूज़ एडजस्ट कर देता हूँ इनकी कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये देखें जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हंड्रेड ही रहें अब देखें मैं ज़रा यहाँ पर पे, अगर पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये थर्टी टू की वैल्यू चल रही है और बॉडी के अंदर हंड्रेड परसेंट ही वैल्यू चल रही है ये देखें अब अगर मैं यहां पे एटी परसेंट कर दूं भाई जितने भी बॉडी के अंदर वैल्यूज हैं फॉन्ट फॉन्ट साइज साइज की जितने भी है वो उसका बॉडी के अंदर एटी परसेंट हो जाए अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा पिक्सल जो है वो फिक्स है क्लियर अब अगर मैं इसको स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट करना चाहूं अब हमने पिक्सल की वैल्यू निकाली थी कितनी टू ई की निकाली थी टू ई एम इक्वल टू थर्टी टू अब मैं अगर टू ई एम यूज़ करता हूँ इसकी जगह मैं ज़रा अब जूम कर लूँ पेज को तो यहाँ पे ये फ़र्क आ रहा है एटी परसेंट का ऊपर वाली बॉडी का हमने कितना एडजस्ट किया था एटी परसेंट अब मैं इसको अगर फिफ्टी परसेंट कर दूँ तो आप फिर देखेंगे कि इस पर फिर भी चेंजिंग आ रही है क्योंकि ये स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट कर रहा है वैल्यूज़ को पिक्सल इस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं का फर्क आ रहा है देखें हंड्रेड परसेंट मैंने कर दिया तो हंड्रेड परसेंट ही चल रहा है अब अगर मैं पिग्जल में लूँ और यहाँ पे वैल्यूज चेंज करूँ तो आपको पता चेंज नहीं हो रही अब मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जो वैल्यूज यूज़ करें वो ई एम में यूज किया करें मोस्टली क्लियर आई होप सो कि आपको ई एम और पिग्जल का डिफरेंस समझ आ गया होगा फॉन्ट साइज के अंदर ओके okay, मैं यहां पे अब रिमूव करता हूँ नेक्स्ट हम जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं अब मैं आपको समझाने वाला हूं लाइन हाइट का अब मैं अगर लाइन हाइट के टैग को कॉल करूं सॉरी लाइन हाइट लाइन हाइट में कॉल करता हूं यहां पे 20 पिक्सल मैं यहां पे अगर पेज को रिफ्रेश करूं तो यहां पे इन दो लाइनों के दरम्यान 20 पिक्सल का डिफरेंस आ गया है मैं थोड़ी वैल्यू बढ़ा के दिखाता हूं आपको मैं 50 पिक्सल कर देता हूं लाइन हाइट यानी पैराग्राफ के अंदर जो लाइन हाइट है उसकी वो 50 पिक्सल हो लाइंस की हाइट मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि 50 परसेंट जो सॉरी 50 पिक्सल का जो है वो डिफरेंस इसमें आ गया है आप चाहें तो परसेंटेज में एडजस्ट कर लें या जिस तरह आप पे डिपेंड करें आप इसकी वैल्यू माइनस में भी कर सकते हैं मैं यहाँ पे माइनस टेन अगर कर दूँ तो यहाँ पे एक एरर आएगा एरर आएगा नहीं चल रही भाई आप ट्राई करके देखिएगा अगर जीरो पिक्जल करूं तो चल रही है आप नेगेटिव में यानी वैल्यूज नहीं ले सकते ये देखिए जीरो पिक्सल किया उसकी जीरो हाइट से स्टार्ट हो रही है क्लियर आप देखें आप अगर मैं इसकी टेन पिक्सल करता हूं और बढ़ाता जाता हूं तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है माइनस में आप नहीं लेके जा सकते क्योंकि कुछ वैल्यूज जो हैं वो जिस तरह मार्जिन और पैडिंग आप माइनस सॉरी मार्जिन जो है वो आप माइनस में एडजस्ट कर लेते थे इस तरह आप सोचते होंगे कि लाइन हाइट भी आप माइनस में एडजस्ट कर लें तो वो नहीं कर सकते आप इसकी बाय डिफ़ॉल्ट कितनी है जीरो से स्टार्ट हो रही है अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ ये अपनी उसी कंडीशन में आ गया बाय डिफॉल्ट कंडीशन में ओके okay, नेक्स्ट मैं अब जो है वो अपना प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाला हूँ वो है फॉन्ट फैमिली फॉर्ट फैमिली फॉन्ट फैमिली उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ के बारे में बता दूं ये कुछ फेस मैंने इसके रखे हुए हैं यहाँ पे तीन एफ़ आपको नजर आ रहे होंगे बेसिकली ये दो एफ हैं और इस एफ़ को डिस्क्राइब किया हुआ है सैन सैरफ और सैरिफ सैन सैरफ और सैरिफ ये दो हमारे पास जो है वो कुछ एफ़ के स्टाइल हैं उसके फेस हैं सॉरी और यहां पे आप देखेंगे सैरफ़ के अंदर कुछ उसके एजेस निकले हुए हैं ये उसने रेड कलर से यहां पे बताया हुआ है कि भाई ये जो सैरफ सैरफ जो है ना वो सैरफ के यहां पे एजेस निकले हुए हैं रेड कलर के सैरफ के एजेस निकले होते हैं और सैन सैरफ़ के एजेस नहीं होते हैं ये हमारे पास कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो सैरफ होते हैं और कुछ सैन शैरफ होते हैं अब यहाँ पे मैं कुछ फॉन्ट्स के नाम आपको बता देता हूँ जिस तरह टाइम्स न्यू रोमन है और एरियल है वर्डाना है आप कुछ भी मतलब कि इम्पैक्ट है कुछ भी आप जो फॉन्ट लाइक like करते हैं आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ओके okay, मैं यहाँ पे सबसे पहले टाइम्स न्यू रोमन अप्लाई करने वाला हूँ टाइम्स न्यू रोमन जो पॉपुलर फॉन्ट है और आपको ये भी बता दूँ कि ये बाई डिफॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन ही अप्लाई हुआ हुआ है ओके okay, आगे यहाँ पर मैं कॉमर डाल के यहां पे मैं बता भी सकता हूं कि भाई ये सैन शेरफ या शैरफ कर दो मैं कहता हूं ये सैरफ करो सैरफ सैन सेंरफ सैन शैरफ करो ओके अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये सैन शैरफ अपनी अगर मैंने उसे कहा कि अगर ये यहां पे ये फ़ॉन्ट ना चले तो वो सैन सैरिफ कंडीशन में आ जाए ये मैंने डिफाइन किया हुआ है अब मैं यहां पे अगर एक फ़ॉन्ट का नाम लिखूं एरियल एरियल एक फ़ॉन्ट का नाम है अब अगर मैं रिफ्रेश करूं तो ये देख सकते हैं कि इसका स्टाइल चेंज हो गया है फ़ॉन्ट का फॉन्ट की फैमिली चेंज हो गई है अब मैं यहां पे कोमा डाल के यहां पे मैं सैरिफ या सैन सैरिफ कर सकता हूं सेम इसको लेकिन कुछ फॉन्ट्स की जो है वो अपना स्टाइल ऐसे होते हैं कि जो सैरिफ और सैन सैरिफ नहीं होते इसका बाय डिफॉल्ट जो एरियल है वो है हमारे पास सैरफ सॉरी फॉर दैट सैरफ नहीं सैन सैरफ ये देख सकते हैं कि इस कंडीशन में ये सैन शैरफ है और टाइम्स न्यू रोमन हमारे पास सैरफ था ये आप चाहें तो लिख लें चाहें तो ना लिखें कोई मसला नहीं ये आपके पास मैंने थोड़ा सा आपको डिफरेंस इसका बताना था फॉन्ट फैमिली का अब मैं यहाँ पे एक वर्डाना एक फॉन्ट है यहाँ पे अगर मैं वो अप्लाई करके आपको दिखा दूँ तो ये देखिएगा ये थोड़ा चेंज हो गया है ये भी हमारे पास क्या है सेंस सेरिफ है, है ओके ये हमारे पास होगी फॉन्ट फैमिली अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इन सब चीजें जितनी भी हमने पढ़ी हैं हमने पढ़ा है फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट वेट फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट साइज लाइन हाइट फॉन्ट फैमिली अब इन सारी चीजों को आप एक लाइन के अंदर कैसे लिख सकते हैं मैं यहां पे सबसे पहले लिखूंगा सिंपल फॉन्ट मैं फॉन्ट लिख के अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज देने वाला हूं सबसे पहले जो मैंने वैल्यू देनी है वो मैंने देनी है फॉन्ट स्टाइल की आप क्या रखने चाहते हैं आप नॉर्मल रखना चाहते हैं या इटैलिक रखना चाहते हैं या उब्लिक मैं कहता हूं इटैलिक कर दो ठीक है सबसे पहले मैंने इटैलिक किया क्या ये मैंने क्या लिखा है ये फॉन्ट का मैंने स्टाइल लिखा है अब नेक्स्ट जो है वो मैंने क्या लिखना है फॉन्ट का वेरिएंट फॉन्ट वेरिएंट में क्या करना चाहता हूं मैं कहता हूं भाई आप स्मॉल कैप्स में कर दो स्मॉल कैप्स के अंदर कर दो अब उसने नेक्स्ट वैल्यू पूछी है कि फॉन्ट का वेट भी आपको देना चाहते हैं तो मैं कहता हूं बोल्ड ओके बोल्ड के बाद अब उसने मुझे कहा है कि आप उसके पिजल में वैल्यू दो या उसके ई एम के अंदर वैल्यू दो फॉन्ट का साइज दो यानी मैं कहता हूं कि ट्वेल्व पिक्सल हो अब यहां पे नेक्स्ट मैं इसकी लाइन की हाइट भी एडजस्ट कर सकता हूँ लाइन की हाइट कैसे लिखनी है मैंने ये यह, यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश डालनी है फॉरवर्ड स्लैश डालने के बाद मैं यहाँ पे उसकी लाइन की हाइट लिखूंगा मैं कहता हूँ इसका लाइन हाइट 50 पिक्सल आ जाए अब नेक्स्ट जो है वो लास्ट पर मैंने फॉन्ट की फैमिली लिखनी है फॉन्ट फैमिली में कहता हूँ आप कर दो एरियल ये यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया ये एक लाइन के अंदर हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो हमने एक लाइन के अंदर लिख ली सिर्फ फॉन्ट के अंदर सबसे पहले मैंने क्या लिखा फॉन्ट का स्टाइल और नेक्स्ट मैंने क्या लिखा फॉन्ट वेरिएंट ये यहाँ पे ये स्मॉल कैप्स फॉन्ट वेरिएंट और नेक्स्ट मैंने फॉन्ट वेट यानी बोल्ड कर दिया उसे मैंने और यहाँ पे ये जो मैंने ये ये लिखी हुई है, value, ये वैल्यू ये हमारे पास उसकी कितने पिक्सल वैल्यू करनी है मैं यहाँ पे कर सकता हूं मैं कहता हूँ भाई आप उसकी वैल्यू कर दो थर्टी पिक्सल और यहाँ पे ये स्लैश टाल के ओवर यानी फॉरवर्ड स्लैश टाली मैंने और ये फिफ्टी पिक्सल क्या है ये फिफ्टी पिक्सल इसकी लाइन हाइट है जो हमने पढ़ी है और आगे उसकी फॉन्ट फैमिली ओके आप अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सारा कुछ अप्लाई हो गया है यानी उसका वेट भी अप्लाई हो गया है फॉन्ट स्टाइल भी अप्लाई टैलिक हो गया है और फॉन्ट वेरिएंट भी ये देखें हो गया है अपना फॉन्ट वेरिएंट हमने स्मॉल कैप्स में लिखा है और इसके फॉन्ट का जो फैमिली है वो भी चेंज हो गई है लाइन हाइट भी इसकी लग गई है फिफ्टी पिक्सल और इसका ख़ुद भी जो फॉन्ट का साइज़ है वो थर्टी पिक्सल हो गया क्लियर आई थिंक सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी फ्रेंड्स अगर आपको इस ट्यूटोरियल की समझ आई है या कोई भी आपको किसी भी किस्म की क्वेश्चन कोई भी आपके जेन में हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं आप मुझे से क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपने दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में तब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़